नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर रीवा से, जहां भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आज एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि भीषण कोरोना महामारी में पूरे प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश है। प्रदेश के अंदर जो भी लोग, चाहे आमजन हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति, जब भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। जबकि रीवा विधायक द्वारा इस लॉकडाउन में कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया है। जब लॉकडाउन का प्रथम चरण चल रहा था, पहला 21 अप्रैल 2020 को मार्दंड स्कूल के सेंट्रल किचन का निरीक्षण करने गए हुए थे। वहां पर 250 लोग एक साथ इकट्ठे हुए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। दूसरा 13 मई 2020 को बीड़ा सिमरिया रीवा बाईपास रिंग रोड का करहिया में शिलान्यास करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया है। संविधान सभी के लिए एक समान होने चाहिए। वहीं छात्र संगठन ने आरोप लगाया है कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। ज्ञापन सौंपते हुए एनएसयूआई ने उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग थी और क्या आश्वासन मिला? आज हम लोग आदरणीय एसपी साहब के पास आए थे और हमने एक ज्ञापन सौंपा है कि आदरणीय रीवा विधायक राजन शुक्ला जी के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह के ऊपर कल एफआईआर हुई है, 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुई है, उमंग सिंगार हमारे पूर्व मंत्री हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है सोशल डिस्टेंसिंग है, यहाँ तक कि हमारे पूर्व सीएम आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस प्रशासन का अलग अलग मापदंड क्यों? भाजपा के लोग जब सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। राजन शुक्ला जी जब लॉकडाउन का प्रथम चरण चल रहा था, भोपाल से लौट के आए और डायरेक्ट यहाँ पे मार्टंड स्कूल के सेंट्रल किचन में गए, वहाँ पे 200-250 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई और इसके बाद उन्होंने एक सड़क का भूमि पूजन किया। तो मैं आज ये मांग करने आया हूँ कि सभी के लिए संविधान एक है, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे आमजन हों। मैंने जो जहाँ तक संविधान की किताब पढ़ी है उसमें सभी के लिए बराबर का संविधान है, तो राजन शुक्ला जी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए हैं उनके ऊपर एफआईआर, पूर्व सीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो पूर्व मंत्री और विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाँ, उनका कहना है कि जो इनके नेताजी हैं दिग्विजय सिंह साहब, उनके खिलाफ भोपाल में कल कोई एफआईआर हुई है सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के दौरान, तो इनके ये अपेक्षा है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का संगठन हो, व्यक्ति हो, उन सभी के खिलाफ एफआईआर की जाए। इसी तारतम्य दो घटनाओं का उल्लेख करते हुए वो एफआईआर करने की मांग की है, जो पुरानी घटना है, 1 अप्रैल महीने की है और 1 मई महीने की है। किसके खिलाफ? इसमें बता रहे कि एक सेंट्रल किचन में 21 अप्रैल को उसका निरीक्षण के लिए कुछ लोग गए थे, लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें भीड़भाड़ हुई थी, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। इसी तरह से 13 मई को भी एक शिलान्यास हुआ था बाईपास रोड पर, वहाँ भी भीड़भाड़ हो गई, तो वहाँ भी विधायक राजेंद्र शुक्ला, हाँ जी, उनका नाम लिया हुआ है इसमें, उन्हें लिखा हुआ है, नाम तो नहीं लिखा है, डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया था ऐसे लिखा हुआ है, पर नीचे लिखा है कार्रवाई की जाएगी, नहीं नहीं जाँच की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।